कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। पहले तो कब्जा करते हैं, अंदर से एक बूढ़े इंसान को धक्का देते हुए बाहर निकालते हैं, क्या हाँ हमारी दादागिरी चलेगी? वो ये बोलने लगते हैं कि यहाँ पर दो माले की शाखा बनेगी। तो क्या वो दो माले की शाखा लीगल बनेगी? क्या आसपास के इलीगल को चौकआउट किया जाए और उसको तोड़ा जाए? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाईकोर्ट से ऊपर हो गए? ये सब राजन गिने के वार्ड के अंदर इलीगल बांधकाम हो रहा है। तुम्हारे को दादा इसके लिए नहीं बोला जाता है कि तुम कोई बहुत बड़े भाई पटेल हो। पोटेंट मतलब कौन? पोटेंट बाहर से आए हुए लोखंड वाला से। तो फिर ये जाते हैं छोटा चेतन आंदोलन पे बैठते हैं, वो सेटल हो जाते हैं के वसीम सैयद ने एक रुपया उससे ऊपर की बात नहीं करता हूँ, एक रुपया अगर लिया है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रभाग टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा प्रभाग समिति के पास, और आपको बता दें कि मेन रास्ते के किनारे ही यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल किया जा रहा है। दरअसल जो बैनर लगाया गया उस बैनर पर लिखा हुआ है सरकारी धड़प शाही बंद करो। इसके अलावा स्कूल अस्पताल प्लेग्राउंड गार्डन अनधिकृत बांध काम बंद करो, और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो मुमरा के तमाम कार्यकर्ता है वसीम सैयद, फिरोज भाई और रिजवी भाई, ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं बेमुद्दत। बात करेंगे सबसे पहले हम वसीम सैयद से। वसीम भाई, आप तमाम यहाँ पर जो है अनधिकृत बांध काम की तस्वीर लगा कर बैठे हुए हैं, दरअसल आप अनधिकृत बांध काम के खिलाफ क्यों है, क्या पूरा मामला है? मैं शुरुआत करना चाहता हूं 10 अक्टूबर 2023 के हाईकोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें मैं आपको ऑर्डर का लास्ट पैरा पढ़ के सुना रहा हूं। इंडीड वी डायरेक्ट द थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू फॉरविथ चॉक आउट एंड गिव अस बाय नेक्स्ट थर्सडे अ प्रोग्राम फॉर द डेमोलिशन ऑफ ऑल अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। इफ नेसेसरी दिस विल बी एक्सटेंड टू एनी स्ट्रक्चर दैट दिस पेटिशनर हैज पुट अप। अब इसके बाद जो है वो मैं आपके सामने एक इंसिडेंस रखता हूँ कि मुमरा में राजन किने जो है वो अपने सीएम को खुश करने के लिए यहाँ पर एक शिवसेना की शाखा होती है उसको तोड़ते हैं, पहले तो कब्जा करते हैं, अंदर से एक बूढ़े इंसान को धक्का देते हुए बाहर निकालते हैं, उसको दम दाटी करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उस शाखा को तोड़ देते हैं। शाखा को तोड़ देने तक के ये उनका निजी मामला था, लेकिन जिस तरीके से दादागिरी का एक सेगमेंट उन्होंने मीडिया के ज़रिए से लोगों को बताना चाहा क्या हाँ हमारी दादागिरी चलेगी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये बोलने लगते हैं कि यहाँ पर दो माले की शाखा बनेगी, तो क्या वो दो माले की शाखा लीगल बनेगी? ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि आसपास के इलीगल को चौकआउट किया जाए और उसको तोड़ा जाए। ये ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, उसके बाद ये कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाईकोर्ट से ऊपर हो गए? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपना खुद का कानून है, या मुख्यमंत्री इस चीज़ को साबित नहीं करवाना चाहते कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं, जबकि उनके चाहने वाले कानून का उल्लंघन करके लोगों में एक दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं, लोगों में डर का माहौल फैलाना चाहते हैं। ये जितने भी फ़ोटो यहाँ पर रखे हुए ये सब राजन गिने के वार्ड के अंदर इलीगल बांधकाम हो रहा है। राजन गिने के वार्ड के अंदर जितना भी इलीगल बांधकाम हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून की पासदारी करने वाले हैं, कानून को संभालने वाले हैं, कानून के हिसाब से इस स्टेट को चलाने वाले हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र से अपील करना चाहता हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल से अपील नहीं करना चाहता हूँ, कि डायरेक्शन दीजिए कि जो जो
इलीगल बांध काम राजन गिनी के वार्ड के अंदर हो रहे हैं, जो आपका नाम लेकर के यहाँ पे शाखा बनाने की बात कर रहा है, उन सब बांध काम को डेमोलिश कर दिया जाए। मैं पुराने लोगों को बेघर करने के लिए समर्थन नहीं देता, लेकिन जो नए बांध काम की ये तस्वीरें अभी है, ये कभी नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर अगर कुछ पुनर्वासन करना है तो क्लस्टर करें। पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि हम अनधिकृत बांध काम के खिलाफ, ठीक है, है? हाँ है ना। तो आप फिर राजन कीने के वार्ड का पर्सनल फोटो लेकर और राजन कीने के शाखा जो बनाई है उसकी, यानी कि आप फिर पर्सनल टारगेट कर रहे हैं? कोई पर्सनल टारगेट नहीं है, कोई पर्सनल टारगेट नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर दादागिरी कर रहे हो, एकदम सिंपल सी बात है, आपने यहाँ दादागिरी का पैटर्न नहीं किया रहता। हमने तो इससे पहले भी अनाधिकृत के बारे में कर दे, दीवा के अंदर राजन कीने का वार्ड था क्या? नहीं था ना, हमने राजन कीने का नाम कभी भी नहीं लिए। लेकिन राजन कीने इतना धड़ल्ले से कैसा वीडियो के ऊपर आकर बोल सकता है कि मैं यहाँ पर दो माले की बनाऊँगा और फिर मैं इम्पोर्टेड लोगों को ला करके यहाँ पर गुंडागर्दी करना, ये मुमरा का कभी भी इतिहास नहीं रहा है। तुम्हारे को दादा इसके लिए नहीं बोला जाता है कि तुम कोई बहुत बड़े भाई पटेल हो, तुम्हारे को यहाँ पे तुम शहर के पुराने हो, 50 साल क्रॉस कर चुके हो, तो तुम्हारे को इज्जत के ज़रिए से दादा यानी भाई बोला जाता है। तो तुम उसको गलत नंबर में ले लिए, अपने आप को हीरो बना रहे, सबके पास दादागिरी करने के लिए जा रहे, ये नहीं चलने वाला। दादागिरी करने के लिए जा रहे, क्या चीज़ दादागिरी की है उन्होंने? अरे भैया, दादागिरी है ना, राजन कीने को महापौर बनने का है, राजन कीने को आमदार बनने का है, राजन कीने को कॉरपोरेटर बनने का है, राजन कीने की बीवी को कॉरपोरेटर बनने का है, राजन कीने के भाई को कॉरपोरेटर बनने का है, राजन कीने के बेटे को कॉरपोरेटर बनने का है, राजन कीने के भाई के बेटे को कॉरपोरेटर बनने का है। मुमरा वालों को क्या करना चाहिए, अपना बोरिया बिस्तर लपेटना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए, सब राजन कीने के नाम पर चाहिए उसको। भैया आप एक बात समझाओ कि अगर आपको लड़ करके जीत करके आना है ना, 20 साल से तुम नगर सेवक हो, अभी बोलते हो कि भाई मेरी पहले बातें नहीं सुनी जाती थी, अब तुम्हारे को जब जब तुम्हारी मर्जी आई, जब तुम किसी के भी साथ जाके बैठ गए, पहले से तुम आनंद दीघे के समर्थक हो ना, जब तुम आनंद दीघे के समर्थक पहले से थे, तो जब वो शाखा में कुछ काम नहीं हो रहा था, तुम तो पार्टी बदलने माहिर हो, तुम्हारे को जब दिल में आया तुमने मतलब हिंदुत्व के नाम के ऊपर जिसकी गोद में जाके बैठने बैठ गए। भैया यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकली तो कौन सबसे पहले आगे आके सत्कार किया? सबको मालूम है कि तुम कितने बड़े मतलब जो है वो हिंदुत्ववादी हो, और हमको तुम्हारे हिंदुत्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से लोगों में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो ना कि भैया मैं लोगों के लिए आगे आ रहा हूँ, तो नहीं, तुम कट्टर पहले भी थे, आज भी कट्टर हो, लेकिन तुमने यहाँ पर ये जो छोशा उठाया कि भैया वो शाखा जो है वो भाड़े पे दे दी गई थी इसके लिए मैंने तोड़ गए, तुम अपनी दादागिरी प्रोजेक्ट करना चाहते हो। शाखा के पीछे की जितनी जमीन थी वो किसने बेचा है, बोलो खुल करके, और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, पूरे तथ्य के साथ होएगा। तुमने इससे पहले कितने मतलब दूसरे काम के अंदर किसने बेचा है? आप दो बार बोल चुके हैं ये बात। अरे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, 50-60 लाख रुपए के लिए किसने वहां पर जो है वो कब्जा किया, किस तरीके से वहां पर जो है वो बिल्डिंगों को बनाने का संरक्षण दिया गया। इससे पहले मैं ये भी बोल चुका हूँ, कब्रस्तान को वो जगह से हटाने के लिए पहला लेटर जो राजन कीने का, वो भी लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ये अपने आप को बहुत ज्यादा वो बता रहे ना, कल देख उनकी एक बात बताता हूँ। पहले जब तक आजाद रहे तो आनंद दीघे के समर्थक बन करके प्लेन उड़ाते रहे, फिर उसके बाद उनकी मर्जी आई तो उन्होंने क्या किया, भैया हम कांग्रेस में, सोनिया गांधी हमारी लीडर। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक उनके लीडर बदल गए जितेंद्र आवाड़, जब तक सोनिया गांधी के साथ थे जितेंद्र आवाड़ बोरा, जब जैसे यहाँ पर आए जितेंद्र आवाड़ अच्छे, पहले क्या जितेंद्र आवाड़ को बोलते थे, ये भाड़े का है, ये किराएदार है, गाली दिए, क्या क्या बोले। फिर क्या हुआ, रात में हमारे साथ, हम कांग्रेसियों के साथ रात में बैठे हुए 2 बजे तक के, सुबह 9 बजे उठ के जाके जितेंद्र आवाड़ साहब के पैर छू रहे। अब ये हो गया, वहाँ से निकले, अभी आ गए एकनाथ शिंदे के पास, अब जितेंद्र आवाड़ फिर बुरा हो गया इनके लिए। अरे मजाक लगा के रखे तुमने, तुम्हारे मतलब के लिए जहाँ पे चले जाएंगे तुम सब सही कर सकते। अभी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये इनके वार्ड में बन रहा है, इनके वार्ड में बन रहा है, क्या करते हैं, पहले तो बिल्डरों को इसको सही तरीके से अपने साथ लेते हैं, फिर इन्होंने एक इम्पोर्टेड को बुला के रखा हुआ यहाँ पे, उसको वो साइड पे भेजते हैं, फिर वो क्या करेगी, सरकार के अंदर जा कर के कंप्लेंट करेगी, भाई मैं देवेंद्र फडणवीस के खास, मैं बावन कुले का खास। इम्पोर्टेंट मतलब कौन, इम्पोर्टेंट बाहर से आए हुए लोखंड वाला से। अरे कुछ नाम पता सब मालूम पड़ेगा, सब मैं सबके नाम लेके बोलूंगा, मैं किसी, मैं
मैं 354 से नहीं डरता। तो कब बोलोगे? मैं अभी कांग्रेस के मंच के ऊपर हूँ, मैं इसके लिए बाकायदगी से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। इम्पोर्टेड लोग को यहाँ पे बुलाते फिर वो बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देते, ये तोड़वाएंगे हम। हमने बावन गुले साहब को कंप्लेंट करे, हमने देवेंद्र फडणवीस को कंप्लेंट करे, हम इसको कंप्लेंट कर रहे, तो फिर ये जाते छोटा चेतन वहाँ जा करके उनका सेटलमेंट कराते हैं। और फिर छोटा चेतन, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, सबके नाम लूँगा, किसी की दादागिरी से डरते नहीं हम लोग, किसी की दादागिरी से नहीं डरते, जो सच है वो बता रहे। अगर ये सब अनाधिकृत है, ये सब अनाधिकृत है, ये बंद करो, नहीं नहीं, तो जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा, बच्चों के लिए गार्डन दो, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड दो, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल दो, बच्चों के लिए लाइब्रेरी दो, बच्चों को अच्छा चलने के फुटपाथ दो, शहर के अंदर लीगल हॉकिंग जोन दो। तुम 20-20 साल से नगर सेवक होने के बाद नहीं कर पा रहे, तो झक मराने के लिए नगर सेवक है तुम लोग, छोड़ दो नगर सेवक पद। सलमान भाई, आपने इसके पहले भी दीवा में भी पोषण किया था और आज फिर आप लोग बेमुद्दत जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तमाम मुद्दे हैं, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान है और अनिधिक बांध काम है, गार्डन है। शहर के मुद्दे जब तक ख़त्म नहीं होंगे, कांग्रेस ऐसे ही रोड पे उतर के लोगों के हित की जो सुविधाएं हैं उसके लिए हमेशा आंदोलन करेगी। और सिर्फ दीवा में ही नहीं, हम लोग आज मुमरा में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी थाने शहर जिला के अंदर जहाँ पे भी पब्लिक की समस्या की बात होगी वहाँ कांग्रेस हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और लेती रहेगी। जैसे कि आपको मालूम है, सब चीज़ें वसीम सईद साहब ने कह दिए, बोलना यही है कि जो भी मांगे हमारी हैं, अगर सहायक आयुक्त ने उसको आज कल के अंदर रिजॉल्व नहीं करके दिया तो मैं समझता हूँ ये बेमुद्दत भूख हड़ताल अमरण उपोषण के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। वसीम भाई, एक और सवाल जो मुमरा शहर की जनता हमेशा ये कहती है कि लोग भूख हड़ताल पर तो बैठते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर अनधिकृत बांध काम को लेकर, और कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, ये अनधिकृत बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, उसको लेकर आंदोलन पर बैठ जाते हैं। बैठने के बावजूद भी ऐसी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाती हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या जो लोग आंदोलन पर बैठते हैं वो सेटल हो जाते हैं? फिर अगर सेटल नहीं हुए तो वो बिल्डिंग अनधिकृत बन कैसे जाती है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि लोग जो है वो ऐसे ही भूख हड़ताल के समर्थन में अपने घरों से उतरते क्यों नहीं। लोग सुनते, लोग यही कह रहे हैं कि करते तो हैं आंदोलन, अच्छा रहता है, लेकिन बाद में पता लगता है बैकग्राउंड से कि ले दे के बैठ जाते हैं। नहीं, बैठे रहो उनके साथ, उठने ही मत दो, हम भी बैठे रहेंगे, हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, ले दे के बैठ जाते हैं ऐसा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं आपके चैनल से अगर किसी ने इस बात को साबित कर दिया कि वसीम सैयद ने एक रुपया उससे ऊपर की बात नहीं करता हूँ, एक रुपया अगर लिया है कहीं से भी लाके साबित कर दिया, यहीं खड़े खड़े अपने आप को आग लगा दूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, भूख हड़ताल जो है मेधा पाटकर जी ने भी की, भैया देश बदल नहीं रहा उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हमारे अध्यक्ष ने अभी 3 दिन पहले भूख हड़ताल करे थे, साईं बाबा मंदिर के आगे पत्रे लगा दिए गए थे, आने जाने वालों का रास्ता रोक लिया गया था बिल्डर की तरफ से, भूख हड़ताल के जरिए से वो चीज़ का कानूनी रास्ता निकला ना, वो खोल दिया गया। हम कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भैया एक भी इधर आना नहीं इस आसपास में देने लेने की बात करने के लिए। हम इसके बाद मेरा लेटर है यहाँ पर, मैं आपको कॉपी भेजता हूँ कि अगर ये इससे रास्ता नहीं निकला, अगर हमारे को ज़बरदस्ती भेज दिया गया सलाइन वलाइन लगा करके, तो हम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। एक कोर्ट का ऑर्डर आया, आपको मैंने पढ़ करके सुनाया, इंशाल्लाह आने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ से दाखिल करूंगा। आपका जो मेन मुद्दा है वो आप बता रहे हैं कि शाखा है, अगर आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर ऐसे शाखा भी बन जाती है तो इलीगल कुछ, मैं शाखा के सामने जाके लेट जाऊंगा, शाखा के सामने जाके लेट जाऊंगा। मैं शाखा बनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से दादागिरी करके इलीगल बताया जा रहा है ना, इलीगल बना करके, या तो फिर ऐसा कर दो कि मुख्यमंत्री जी इसके आदेश पास कर दे कि भैया किसी को भी टाउन प्लानिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी प्लान पास कराने की ज़रूरत नहीं, सब इल्लीगल बनाओ बिंदास, हमारी सरकार उनका संरक्षण के लिए तैयार है। मैं कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कानून की जो मतलब नहीं सुनी जा रही है, मैं उसके लिए, मैं लोगों का विश्वास बिठाना चाहता हूँ कि लोग कानून से चलें इस देश के अंदर,
बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चले इस देश के अंदर, किसी सीएम के कानून से नहीं चलने का, किसी टीएमसी कमिश्नर के कानून से नहीं चलने का। ये देश जो है वो रिपब्लिक कंट्री है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से चलेगा। तो आपने सुना कि कांग्रेस के तमाम लोग जो है यहाँ पर आंदोलन पे बैठे हैं, ये बेमुद्दत भूख हड़ताल है। और दरअसल तीन लोग, वसीम सैयद और सलमान रिजवी और फिरोज भाई, ये जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके यही कहना है कि अनधिकृत बांध काम जो है वो रोका जाए, और ख़ास तौर पर इनका टारगेट है शिवसेना शिंदे गुट की शाखा जो बनाई जा रही है। इनका कहना है कि वो अनधिकृत तरीके से बनाई जा रही है, अगर बनाना है तो उसका परमिशन लेकर बनाया जाए। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल कांग्रेस की तरफ से जारी है।